इनके मूल में भगवान विष्णु का वास है। तीन शाखाएं आप देख रहे हैं, तीनों युगों का प्रमाण है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। कलयुग का अंत होगा, तब यही अक्षयवट का पेड़ आकाश से पाताल एक हो जाएगा, सारी पृथ्वी पर जलाजल हो जाएगा, तब ब्रह्मा जी के द्वारा फिर से सृष्टि रचना रची जाएगी। और तभी ये चार युगों का वृक्ष है, ये चार युगों का वृक्ष है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग का युग जो हुआ 17,28,000 वर्ष का, त्रेता में 12,96,000, द्वापर में 8,64,000 और कलयुग का हुआ है 4,32,000 का वर्ष है। अब हम लोग प्रवेश द्वार से अंदर की ओर बढ़ेंगे और ये देखिए यहाँ पे आपको जल डाल के दिखाया जाएगा। इस जल को आप देखेंगे, ये पूरा जल आपका सरस्वती कूप के अंदर जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल प्रभु भक्ति में। मैं हूं आपके साथ अश्विनी पांडे। आज हम आ गए हैं श्री अक्षयवट मंदिर पातालपुरी। हम आपको अंदर ले चलते हैं और पातालपुरी के अक्षयवट मंदिर के बारे में, रहस्य के बारे में आपको दिखाते हैं, बताते हैं और वहां पे प्रयास करेंगे कि पुजारी जी से बात भी कराएं और उनसे मिलाएं। हमारे साथ पुजारी जी यहाँ के मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और हमको ये अंदर ले चलेंगे, पातालपुरी के बारे में बताएंगे। मेरा नाम संदीप कुमार गोस्वामी है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। मैं आपको इसके विषय में बताऊँगा। जिस स्थान पर आप लोग आए हुए हैं, ये अक्षयवट का वृक्ष है जो चार युगों का वृक्ष है। यहाँ पर प्रभु श्री राम आए थे, तीन रात्रि यहाँ पर विश्राम किए थे। प्रवेश द्वार से जब हम लोग अंदर जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर धर्मराज का दर्शन होता है और निकास द्वार से जब निकलते हैं तो यमराज का दर्शन होता है। तो 44 मूर्तियाँ हैं, उस कामकूप तालाब का भी आपको दर्शन में कराऊंगा जिसको सरस्वती कूप कहते हैं। इसी वृक्ष से लोग कूद करके उस कुएं में सती प्रथा होती थी और साधु संन्यासी वहाँ पर। महाराज जी, ऐसी प्रथा है ऐसा हमने सुना है और बताया गया है कि उसको उसमें अगर पानी डाला जाता है तो पाताल को जरूर से आज भी उसमें आप जल डालेंगे तो आपको उसमें सुनाई देगा कि हाँ वहाँ जल सरस्वती कूप में जाता है। वो काम को जी एक बार हमको वो जल भी दिखा डलवा के दिखाइए। अवश्य आपको दिखाएंगे, आपके माध्यम से मैं सबको दिखाऊंगा, आप भी आएंगे मेरे साथ। ये प्रवेश द्वार है अक्षयवट का, ये श्रद्धालुगढ़ है जो माघ के महीने में आए हुए हैं भगवान अक्षयवट का दर्शन करने के लिए। ये चार युगों का वृक्ष है, ये चार युगों का वृक्ष है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग का युग जो हुआ 17,28,000 वर्ष का, त्रेता में 12,96,000, द्वापर में 8,64,000 और कलयुग का हुआ है 4,32,000 का वर्ष है। अब हम लोग प्रवेश द्वार से अंदर की ओर बढ़ेंगे। ये महर्षि वेद व्यास महाराज है, चारों वेदों को बनाया महाभारत के रचयिता। चार वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वेद। महाभारत की रचना करते समय भगवान ने क्या किया, गणेश जी के द्वारा लिखवाया गया था इनको, इन्होंने खाली मुख से बोला है, गणेश जी ने इनको महाभारत की रचना की है। अब हम लोग आगे की ओर आएंगे, मंदिर का पहला ऐसा स्थान आपको मैं दिखाऊंगा कि ये मंदिर क्या थी। ये जो आप देख रहे हैं ये देव आंगन की दीवार है, ये जो आप देख रहे हैं ये देव आंगन की दीवार है। पहले ये मंदिर खुला हुआ था, इसी मंदिर के क्या था कि जब चीनी यात्री हेनसेंग आया था भारत यात्रा पर तो उसने देखा था कि एक मंदिर प्रयाग नाम का मंदिर है, वो खुला हुआ मंदिर है। इसी मंदिर से लोग कूद करके इस कामकूप तालाब में जान देते थे और इस पथरीले आंगन में। उस कुएं का भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा जिस कुएं में बहुत से नर कंकाल मिले थे। अकबर के द्वारा जब इस किले का निर्माण कराया गया तब अकबर ने भी देखा कि बहुत से नर कंकाल इस कुएं में प्राप्त हुए। तब उन्होंने क्या किया, 6.5-6 फीट के खंभे मंगवा करके सारी मंदिर को बंद करवाया, तभी से इसका नाम पातालपुरी अक्षयवट मंदिर पड़ गया। ये देखिए यही अक्षयवट का पेड़ है जिसके लिए दुनिया आती है और हम सभी आए हैं। ये मूल जड़ है, इनके मूल में भगवान विष्णु का वास है। तीन शाखाएं आप देख रहे हैं, तीनों युगों का प्रमाण है, सतयुग,
त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का अंत होगा। तब यही अक्षयवट का पेड़ आकाश से पाताल एक हो जाएगा, सारी पृथ्वी पर जला जल हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी के द्वारा फिर से सृष्टि रचना रची जाएगी। इन्हीं के एक पत्ते पर भगवान विष्णु बालक रूप धारण करेंगे, तब सृष्टि की रचना रची जाएगी। तीन मूर्ति का आप दर्शन करिए, ये है ब्रह्मा जी, ये विष्णु जी, ये महेश। ब्रह्मा जी के चार पुत्र है, सनक, सनंदन, सनकादिक, सनत कुमार। ये भगवान का चरण, गया में जाते हैं तो एक चरण का दर्शन होता है, यहाँ संपूर्ण दोनों चरणों का दर्शन होता है। जिस जगह पर आज आप खड़े हैं, इसी के नीचे कामकूप तालाब है, इसका भी दर्शन मैं आपको आगे कराता हूँ। एक चीज और दिखाऊंगा आपको, जब इस किले का निर्माण हो रहा था तो ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, ये चिन्ह देख रहे हैं, ये किले की जो रानी का महल है वहां पर भी यही पत्थर का चिन्ह बना हुआ है। अब ये समझ में नहीं आता है कि इस किले को किसने बनाया। इस किले को अकबर ने बनवाया है, जिसने भी बनवाया है उसी समय का ये जब किला बना है उसी समय इस पातालपुरी मंदिर को भी बंद कराया गया था। कामकूप का पटा हुआ भाग आप दर्शन कर रहे हैं, इसी वृक्ष से लोग कूद करके इस कामकूप तालाब में जान देते थे। बहुत से साधु संन्यासी भी इसी वृक्ष से कूद करके इस कामकूप तालाब में जान दिए थे। औरंगजेब के द्वारा सताए जाने पर इसी वृक्ष से कूद करके यहाँ पे जान दिया। शनिदेव, ये है शनिदेव, शनिदेव की अखंड ज्योत जल रही है, शनिदेव। और ये देखिए यहाँ पे आपको जल डाल के दिखाया जाएगा, इस जल को आप देखेंगे, ये पूरा जल आपका सरस्वती कूप के अंदर जा रहा है। अब आगे आएंगे आप लोग, ये मृकंड ऋषि के पुत्र हैं मार्कंडे जी, ये गुप्त दान, ये गुप्त दान। मंदिर के बाहर जा रहे हैं, पूरा दर्शन हो गया। आगे आएंगे, ये देखिए, ये है शूलकंठेश्वर महादेव। औरंगजेब के द्वारा इस शिवलिंग को कटाया गया था, शूलकंठेश्वर महादेव, आज भी कटा हुआ भाग आप देखेंगे मरद की जगह पे वो बताएंगे। ये देखिए, ये है कटा हुआ भाग शूलकंठेश्वर महादेव। आगे आएंगे, ये माता पार्वती, पुत्र गणेश, ये वेणी माधव, वेणी माधव जी हैं, गरुड़ पे सवार वेणी माधव जी हैं, रावण के भाई कहलाने वाले धन कुबेर, कुबेर जी हैं, अग्निदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये बजरंग बली, अहिरावण को मारा, राम लक्ष्मण को बचाया, उनके पुत्र हैं ये मकरध्वज जी। ये कोटेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव जी हैं। अगर ये प्रसन्न हो जाते हैं तो जन्म मरण से इंसान को मुक्त हो जाता है, आवागमन से मुक्ति हो जाती है। राम लक्ष्मण जानकी है, वन जाते समय एक चित्र है वन का। ये शेष नाग है, अगल बगल विषकन्या बीच में शेषावतारी शेष नाग जी। ये दूधनाथ, और शुरू में धर्मराज के रास्ते लोग आते हैं और अंत में यमराज जी का दर्शन करते हैं और निकास द्वार से बाहर की ओर चले जाते हैं। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, ऊपर वृक्ष है वही कि उसी की जड़ यहाँ पे आई है, उसके बारे में आपने दर्शन, नीचे आपने जिसका मूल जड़ का दर्शन किया, क्योंकि भगवान का, विष्णु का जो स्वरूप है वो मूल में निवास करता है। भगवान विष्णु मूल में निवास करते हैं, जड़ों में, और पत्ते में भगवान ब्रह्मा जी, फल में भगवान शिव हैं, शाखाओं में माता सरस्वती हैं, लक्ष्मी जी हैं, विराजमान हैं सभी लोग उसमें। 33 कोटि देवी देवता यहीं इस वृक्ष में विराजमान होते हैं। माघ मकर जब रवि गति होए, तीर्थ पते आवे सब कोई, देव धनुज की नर नर सेड़ी, साकल मध्य सकल त्रिवेणी। माघ में जब मकर संक्रांति होती है तो 33 कोटि देवी देवता नर किन्नर हर भेष में आकर के इसी अक्षयवट में, इसी त्रिवेणी में स्नान करके इसी अक्षयवट में आकर के निवास करते हैं। तो आपको ये संपूर्ण दर्शन हुआ पातालपुरी अक्षयवट का। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आपको बाहर ले चलते हैं और बाहर का एक बार हम जो अक्षयों के लिए प्रस्थान करेंगे, आप एक बार हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे थोड़ा जल्दी आके इस अक्षयवट वृक्ष को, जो आप अंदर
चरणों का दर्शन किए हैं, उस वृक्ष को हम अपने चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? यह वही वृक्ष है जो आप दर्शन नीचे किए थे महाराज जी, यह वही वृक्ष है ना? जी हाँ सर, यही वृक्ष है वो जिसका आपने मूल में दर्शन किया था। ये विशालकाय वृक्ष है, इसकी परिक्रमा करने से सभी मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जो भी भक्त आते हैं यहाँ पर परिक्रमा करते हैं तो पंचकोशी परिक्रमा होती है ये, इसकी पांच परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए आपके सामने ही है, सभी भक्तगण परिक्रमा कर भी रहे हैं, इनकी हर मनोकामना भगवान अक्षयवट महाराज पूरी करें, यही हम जो कामना करते हैं। और आपके सौजन्य से मैं भी कहूँगा कि आपके सौजन्य से कि सभी लोगों का इसका दर्शन करें। जी महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।